दोस्तों नमस्कार। एक बेहद ही खूबसूरत यात्रा में चलने को तैयार हो जाइए। ऋषिकेश से मदमहेश्वर लगभग 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ये हैं भगवान मदमहेश्वर, पंच केदार के मंदिरों में द्वितीय केदार। यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा होती है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित यह स्थान बेहद ही पवित्र व आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ की यात्रा वास्तव में अद्भुत है। हमारी पैदल यात्रा ऋषिकेश से शुरू होगी और उसका समापन होगा मदमहेश्वर में। 200 किलोमीटर से भी अधिक लंबी इस यात्रा को कर रहे हैं कमल ओली। वो हमें इस यात्रा मार्ग के विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों के विषय में जानकारी देते रहेंगे। आइए यात्रा के पहले दिन उनके साथ हम भी अपनी यात्रा शुरू करें। तो सुबह के लगभग 6:30 बजे भागीरथ आश्रम जो लक्ष्मण झूला के पास है वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करके ये ऋषिकेश से जो गरुड़चट्टी की तरफ जाने वाला रास्ता है इससे मैं पहुँच गया हूँ। अब ये गरुड़चट्टी इसमें लगभग 1 किलोमीटर दिखा रहा है। ये गरुड़चट्टी 1 किलोमीटर और ये बगल में गंगा जी बह रही हैं। बहुत सुंदर और शांत रास्ता है ये, और ये काफ़ी घना जंगल मुझे लगता है शायद ये किसी रिजर्व फॉरेस्ट का एक हिस्सा होगा जो इससे लगता होगा। ये है, बहुत कम वाहनों की आवाजाही है। जैसे अभी एक गाड़ी आ रही, ये आई और एक ये आ रही है। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ। अभी गरुड़चट्टी 1 किलोमीटर, इस मोड़ के बाद शायद कुछ और देखने को मिले। ये ऋषिकेश की तरफ से गरुड़चट्टी को आने वाला रास्ता है, और जैसा कि इसमें दिख रहा है बहुत कम वाहनों की आवाजाही है। और इसी के ये पतित पावनी गंगा माता, और उसके उस तरफ देखिए, उस तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वाहन, ये बद्रीनाथ वाला राजमार्ग जिसे ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग भी कह सकते हैं, उसमें वाहनों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। और आज मौसम बहुत सुंदर है, देखिए धूप निकल रही है वहाँ पर से। तो अभी तो साफ़ है लेकिन शाम तक हो सकता है काफ़ी बादल आ जाएं और बारिश भी हो सकती है, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। ये गरुड़चट्टी पहुँचने से पहले बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई दिया, जिसने मुझे फिर से अपना मोबाइल कैमरा बाहर निकालने पर विवश कर दिया है। बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। तो ये हूँ मैं अभी गरुड़चट्टी के पुल पर। ये गंगा माँ और ये है गरुड़चट्टी। ये नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग, और ये दाईं तरफ जिस तरफ ये कुत्ता है और ये एक व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये रास्ता जाता है ऋषिकेश की तरफ को, और बायां दिखा रखा है नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग। तो मेरा विचार ये था मैं इसी तरफ से होते हुए जाऊंगा और नदी के इसी तरफ से, और दूसरी तरफ में जा करके मैं कोशिश करूंगा देवप्रयाग तक पहुंचने की। लेकिन जितने भी लोग मुझे मिले हैं उन सभी लोगों ने मुझे यही बताया कि मैं मुख्य मार्ग को पकड़ करके ही जाऊं, क्योंकि इस रास्ते के बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं है कि रास्ता यात्रा करने लायक है या नहीं है। तो मैं वही लोगों की बात मान करके अब मैं इसी रास्ते से जाऊँगा जो मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है बद्रीनाथ वाला। जय गंगे माता। ये रास्ता आ रहा है गरुड़चट्टी से, और ये मिल जाता है इस मुख्य बद्रीनाथ हाईवे पर। तो इसमें ट्रैफिक अब काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, और लगातार अब इसमें ट्रैफिक ही मिलेगा। लेकिन लोगों की सलाह को मानते हुए मैंने इसी रास्ते को फॉलो करने का विचार बनाया है। तो देखते हैं कैसी रहती है यात्रा। ये ऋषिकेश की तरफ से, ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये जा रही हैं बद्रीनाथ की तरफ को। आगे शायद जाम भी लगा हुआ, गाड़ियाँ रुक रही हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है।
ये कोई जगह है जिसमें गंगा जी में एक नदी ये मिल रही है दूसरी तरफ से, जिस रास्ते को मैंने छोड़ दिया था, और ये गंगा जी आ रही है। तो मुझे लगता है उसके बाद ये रास्ता कहीं दूसरी तरफ को चले जाता है, और फिर इस ये जो सामने वाला जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे पीछे से फिर वो फिर से मिलेगा इसी रास्ते में। तो देखते हैं। अभी करीब ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से 5 घंटे लगातार पदयात्रा करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। इस जगह का नाम है गुल्लर, ये सब गुल्लर में आता है, और ये गुल्लर से थोड़ा सा ऋषिकेश की तरफ वाली जगह है। तो यहाँ पर कुछ जो दुकानें हैं वो दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानें इनमें से बंद हैं ऑफ सीजन की तरफ से, क्योंकि इतने यात्री हैं नहीं। और इस रास्ते में एक ये भी है कि ब्यासी से लेकर के शिवपुरी या फिर कह लें कि ऋषिकेश तक भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर अपनी जो गाड़ियां हैं उनको रोकते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ी देर में वो ऋषिकेश पहुंचने वाले होते हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि लोग रुक करके चाय पानी नाश्ता करें, लेकिन ये जो हमारे जैसे जो हैं यात्री, उनके लिए बहुत मुश्किल है। अभी शिवपुरी से लेकर के यहाँ तक आने में बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, उमस, पानी भी नहीं है, और ये दुकानें भी सारी बंद हो चुकी हैं। बहुत कम दुकानें, अगर एक दुकान आपने छोड़ दी खुली हुई कि आगे नाश्ता कर लिया जाएगा, तो फिर आगे फिर लगातार दुकानें बंद मिलेंगी, और पानी भी नहीं है रास्ते में। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसमें, और एक रास्ता है, गंगा जी बहुत नीचे बह रही हैं, सड़क से दिखाई नहीं देती हैं चलने पर, और ये जंगल ऐसा है, ये लगातार एक ही सेम जंगल दिखते 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 बहुत ज़्यादा इसमें ये टफ़ हो गया था मेरे लिए पहुंचना। अब थोड़ी देर में मैं ब्यासी पहुंच जाऊंगा, तो उम्मीद करता हूं कि फिर उसके बाद कुछ दिखा पाऊं आपको। अभी ब्यासी के 3-4 किलोमीटर पहले हूँ, 3-4 किलोमीटर के बाद ब्यासी आएगा। और ये मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये पुरानी रोड है, ये पहले भी था, पहले वीडियो बनाना छूट गया था मुझसे। ये पुरानी रोड है, देखिए ये पुरानी रोड के चिन्ह हैं ऊपर, और ये पुरानी रोड जब रहा करती होगी तो उसका बोर्ड भी लगा हुआ है वो, जब ये सिंगल सड़क थी। अब ये जब से हाईवे ऑल वेदर रोड में बनी, तो ऑल वेदर रोड में बनने के बाद ये इतनी नीचे हो गई है सड़क। जैसे अमूमन होता है कि जब भी नई सड़क बनती है तो नई सड़क जो पुरानी सड़क होती है उससे ऊंचाई पर होती है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर जगह मैं देख रहा हूँ कि जो ये कटिंग हुई है इसमें इसको काफ़ी नीचे कर दिया गया, ये नीचे गिरे हुए टुकड़े भी हैं पुरानी सड़क के, और ये पुरानी सड़क के ये जो डामर का हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और भीषण गर्मी है, दिन का 1:30 बज रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गया हूँ। अब ब्यासी या कोडियाला का इंतज़ार है। आज की यात्रा ब्यासी में समाप्त हुई है। बद्रीनाथ राजमार्ग में ऋषिकेश से ब्यासी की दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। आपको ये यात्रा कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। जय गंगा मैया। आप देख रहे हैं मनु की मोटर, चैनल को करें सब्सक्राइब, सबसे पहले वीडियो को दे